नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं नयनतारा के पति पर LIC ने किया केस। नयनतारा के पति हैं विघ्नेश शिवन, जो मशहूर डायरेक्टर हैं, और एक फिल्म शुरू की है उन्होंने, पिक्चर का नाम है LIC। इसमें प्रदीप रंगनाथन, कृति शेट्टी, SJ सूर्या वगैरह। ये फिल्म दिसंबर में शुरू की गई थी। LIC मतलब लव इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन इससे जो ओरिजिनल LIC कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने विघ्नेश को नोटिस इशू किया है कि उन्होंने LIC की इमेज खराब की है और उनको टाइटल यूज पे ऑब्जेक्शन है। ये नोटिस विघ्नेश के अलावा फिल्म के मेकर्स पे भी इशू किया गया है और 7 दिनों में जवाब मांगा है। उनके अनुसार ये कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट है। फिल्म में संगीत है अनिरुद्ध रविचंद्र का और सिनेमाटोग्राफी है रवि वर्मन की। तो एक बहुत महंगी फिल्म बन रही है, लेकिन फिलहाल कानूनी पचड़ों में फंस गई है। अब देखते हैं नयनतारा के पति विघ्नेश LIC को क्या जवाब देते हैं। कंगना रनावत पहुंची बॉम्बे हाईकोर्ट। विवादों की क्वीन कंगना रनावत ने मुंबई हाईकोर्ट में अपील की है जो केस जावेद अख्तर ने फाइल किया है उस पे स्टे लगाया जाए। मामले की सुनवाई 9 जनवरी को होगी। आपको पता होगा कि 2016 में कंगना और जावेद की मुलाकात हुई थी और एक चैनल पर कंगना ने जावेद के खिलाफ काफी कुछ बोला था। इसे जावेद अख्तर नाराज हो गए थे और उन्होंने कंगना पर केस कर दिया था। रश्मिका मंडाना करेंगी अगले महीने सगाई। जी हाँ, एनिमल से ज्यादा चर्चित हुई रश्मिका मंडाना अपने प्रेमी विजय देवरकोंडा से फरवरी में सगाई करने जा रही हैं। खैर, वो फिलहाल तो मुंबई में आई थी एनिमल की सक्सेस पार्टी अटेंड करने के लिए और इसके लिए उन्होंने सत्यानाश कर दिया फिल्म पुष्पा 2 द रूल का शूटिंग शेड्यूल। उन्होंने डायरेक्टर सुकुमार को पटाया और एक दिन की परमिशन ली मुंबई आने के लिए, क्योंकि वो मिस नहीं करना चाहती थी सक्सेस पार्टी, क्योंकि यही एक मौका है जब अपना चेहरा लोगों के सामने दिखाया जाए। खैर, उन्होंने सक्सेस पार्टी अटेंड की और अगले दिन फिर से पुष्पा 2 की शूटिंग रिज्यूम की। रश्मिका की साउथ की एक ही फिल्म है हाथ में, राहुल रविचंद्र की द गर्लफ्रेंड, जिसमें उनके हीरो है दीक्षित सेठ। वैसे पुष्पा की सक्सेस पार्टी में रश्मिका से ज्यादा चर्चे थे तृप्ति डिमरी के। उनको आजकल लोग भाभी नंबर 2 बुलाने लगे हैं। मैडम रश्मिका, जब आप शादी करने जा रही हैं तो उम्मीद है कि आप ढंग के रोल करेंगी, चूमा चाटी वाले एनिमल जैसे नहीं। करण जौहर की उड़ती हुई खबरों पर सफाई। आजकल 3 खबरें गर्म चल रही हैं धर्मा प्रोडक्शन के बारे में जो करण जौहर से जुड़ी हैं। पहली ये है कि सालों बाद शाहरुख खान फिल्म करेंगे करण जौहर की और ये फिल्म 2024 में शुरू होगी। दोनों ने लास्ट फिल्म की थी 2010 में माई नेम इज खान, उसके बाद शाहरुख खान ने एक लंबा गैप ले लिया था करण जौहर ग्रुप से। दूसरी न्यूज है कि टाइगर श्रॉफ और जानवी कपूर की फिल्म शुरू होगी जिसमें वरुण धवन का नेगेटिव रोल है। और तीसरी न्यूज तो पता ही आपको कि दुल्हनिया 3 में आलिया भट्ट न होकर वरुण की हीरोइन बनेगी जानवी कपूर। करण जौहर के मुताबिक जब वो सुबह उठते हैं तो वो न्यूज सुनने को देखने को मिलती है जो धर्मा प्रोडक्शन ने बोली नहीं। मिस्टर करण जौहर, पहले तो आप खुद ही ऐसी गॉसिप की खबरें उड़ाते हैं और अगले दिन सफाई देते फिरते हैं। न्यूज में रहने का अच्छा तरीका ढूंढा है आपने। अजय देवगन ने शुरू की फिल्म रेड की सिक्वल। डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता की फिल्म रेड आई थी 16 मार्च 2018 को। फिल्म बनी थी 40 करोड़ में और बिजनेस था 150 करोड़। खैर, पिछले दिनों रेड की सिक्वल का मुहूर्त हुआ। मुहूर्त क्लैप दिया रवि तेजा ने और फिल्म की रिलीज डेट है 15 नवंबर 2024, यानी कि दिवाली के 2 हफ्तों के बाद। इसमें अजय देवगन रोल करेंगे वही IRS ऑफिसर का अमय पटनायक। IRS मीन्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये एक बहुत बड़ी रेड की कहानी होगी जिसकी शूटिंग दिल्ली, UP और राजस्थान में होगी। इसका पोस्टर भी लॉन्च किया गया, उसमें लिखा गया है अमर पटनायक इज बैक। मिस्टर अजय देवगन, उम्मीद है कि लाइन से जो फ्लॉप फिल्मों का आपका सिलसिला चला आ रहा है उसको फिल्म रेड तोड़ने में कामयाब रहेगी। दीपिका ने मनाया अपना 38 बर्थडे। फ्राइडे को दीपिका 38 की हो गई और उन्होंने बहुत ही सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। अपने पति के साथ यानी कि रणवीर सिंह के साथ गई बॉम्बे के एक रेस्टोरेंट में और डिनर लिया, लेकिन एंट्री के वक्त बेचारे ढेर सारे फोटोग्राफर मौजूद थे, उनकी तरफ देखा तक नहीं। खैर, कुछ घंटे के बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आए और दीपिका चुपचाप गाड़ी में बैठ गई, लेकिन रणवीर सिंह ने फोटोग्राफरों की तरफ हाथ दिखाकर गुड बाय किया। मैडम दीपिका, इतने नखरे भी अच्छे नहीं, ये बेचारे फोटोग्राफर आपको बर्थडे विश और आपकी फोटो लेने आए थे, घंटों खड़े थे, अगर स्माइल करके फोटोग्राफ दे देती तो उनको बेचारी रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाता था। खैर, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरकार द केरला स्टोरी OTT पर। 5 मई 2023 को रिलीज हुई थी विपुल शाह की फिल्म द केरला स्टोरी, जिसके डायरेक्टर थे सुदीप्तो सेन।
फिल्म सुपर डुपर हिट थी, इसके बावजूद 8 महीने तक कोई ओटीटी बायर नहीं था। डायरेक्टर के मुताबिक सब जगह रिफ्यूजल मिला, काफी धक्के खाए ओटीटी प्लेटफॉर्म के, उनका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था। पता नहीं क्यों वो फिल्म खरीदने को इनकार कर रहे थे जबकि पैसे का कोई अड़ंगा नहीं था। मीडिया वाले रोज पूछते थे ओटीटी कब आ रही है कब आ रही है। खैर, जो सेंसर ने ए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म पास की थी वही पूरा का पूरा वर्जन आपको जल्दी ओटीटी पर मिलेगा और इसे खरीदा है जी फाइन ने। तो दर्शकों, जल्दी आपको द केरला स्टोरी, जो 2023 की एक बेहतरीन फिल्म थी, आपको जल्दी जी फाइव पर देखने को मिलेगी। रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी की शादी 22 फरवरी को। जी हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि रकुल और जैकी भगनानी की शादी गोवा में 22 फरवरी को होगी। ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को इनवाइट भेजा जा रहा है और इसमें पॉलिसी रखी है दोनों ने नो सेल, यानी कि गेस्ट अपने साथ सेल नहीं ले जा सकेंगे और उनकी कोई भी फोटो वायरल नहीं होगी। मिस्टर जैकी, लगता है आपने जरूर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपनी शादी के राइट्स बेच के करोड़ों रुपए कमाने की ठानी होगी। आखिर सिंधी दिमाग जो ठहरा आपका। शाहरुख खान और मनोज वाजपेयी कभी नहीं रहे दोस्त। मनोज वाजपेयी ने खुद बताया कि दोनों ने दिल्ली में बैरी जॉन की एक्टिंग इंस्टीट्यूट में साथ में सफर शुरू किया था, लेकिन वहां दोनों में कोई दोस्ती नहीं थी, सिर्फ हाय हेलो था। और आज भी इतने सालों के बावजूद दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। उनकी दुनिया अलग है और मनोज वाजपेयी की दुनिया अलग है। खैर, दोनों ने एक साथ फिल्म की थी वीर जारा, जिसमें मनोज वाजपेयी का बहुत छोटा सा रोल था। मनोज के मुताबिक वो ओटीटी के राजा बनकर ही ठीक है, कल उनको मीडिया गुलाम भी बना देती है तो उनको कोई हर्ज नहीं। फिल्म स्टारों ने किया मालदीव्स का बॉयकॉट। जी हाँ, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे वहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की, तो मालदीव्स के मिनिस्टरों को आग लग गई। उन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी के खिलाफ कुछ कहा बल्कि भारत के बारे में भी अनशन बातें कही। इससे उनको इतनी थूथू हो रही है कि मजबूरन मालदीव्स की गवर्नमेंट को इन तीनों मंत्री को निकालना पड़ा। खैर, अक्सर फिल्म इंडस्ट्री वाले मालदीव्स जाते हैं, फोटो डालते हैं और काफी प्रमोट किया है उन्होंने मालदीव्स को टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसमें अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, कंगना रनावत, श्रद्धा कपूर वगैरह। अब इन्होंने सभी ने बोला है कि मालदीव्स को बॉयकॉट करो और आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाना है तो लक्षद्वीप जाओ। 2023 में 2.5 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट गए थे भारत से मालदीव्स। और आपको पता है, अगर एक आदमी का 2 लाख का खर्चा माना जाए तो कितनी अरबों खरबों की इनकम हुई मालदीव्स की। खैर, आपको बता दें कि लक्षद्वीप की पॉपुलेशन 98% मुस्लिम है और टोटल पॉपुलेशन है मात्र 60,000। अगर आप मालदीव में 7 दिन का 4 लाख का खर्चा आता है तो लक्षद्वीप में आएगा आपको मात्र 1 लाख। आप केरला के कोची जगह से मात्र 20,000 रुपए खर्चा करके फ्लाइट पकड़ के लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ 300 किलोमीटर है केरला से और अक्टूबर से अप्रैल का बेस्ट टाइम होता है। उम्मीद है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेटर सभी मालदीव को बॉयकॉट करके लक्षद्वीप को एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, क्या आप अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं, पैन इंडिया पब्लिसिटी करना चाहते हैं, या अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट या बेचना चाहते हैं, या किसी नई फिल्म में पैसा लगाना चाहते हैं? क्या आपको कोई सेलिब्रिटी, फिल्म, टीवी या कोई मॉडल ब्रांड एम्बेसडर के लिए, मॉडलिंग के लिए, प्राइवेट इवेंट्स के लिए या फिल्म में लेना चाहते हैं? आपकी सभी सवालों का हल है हमारे पास। विस्तृत जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए 9820080299। नरेंद्र गुप्ता, थैंक्स। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमोस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।